जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है तो एक व्यक्तित्व, एक चेहरा सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि वो अपने पारंपरिक परिधान में आते हैं और सर पर पगड़ी होती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की। उन्हें बीकानेर से एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। चौथी बार आप चुनावी रण में हैं अर्जुन राम जी। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, क्योंकि राजनीति की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन एक आपका जो पक्ष है दूसरा व्यक्तित्व का, वो ये भी है कि भजन बहुत अच्छे से गाते हैं आप। देखिए, भजन मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी के संस्कार के कारण मुझे मिले, और स्कूल में भी भजनों की गूंज रहती थी। शनिवार का जब बाल सभा होती थी तो मेरे से गुरुजी एक थे लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, वो मेरे से भजन ही गवाते थे। अच्छा। तो मेरी राग प्रार्थना में भी मैं था और लगातार। और फिर ये एक आध्यात्मिकता का भी तो विषय है ना, कि इस शरीर में चार पार्ट है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। सब बॉडी बॉडी देखेंगे कैसे पार्ट पड़ेगा। बॉडी भी देखो, माइंड भी देखो, इंटेलेक्ट भी देखो और सोल भी देखो। इन चारों का बैलेंस ठीक रहता है तो आदमी श्रेष्ठ बनता है। तो इसलिए भजन भी कई बार आत्मा के साइंस से संबंधित संबंध है ही, आत्मा की खुराक है। आत्मा को भी तो पुष्ट करना होता है ना। बिल्कुल। तो आत्मा की खुराक है वो। हमारे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे जो समाज जीवन में सारी चीजें बनाई है, वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और सोल सबकी खुराक देने के लिए चीजें बनाई है। मैं तो चाहूंगा कि ये खुराक पूरे न्यूज 18 इंडिया के दर्शक आपको देख भी रहे हैं, तो वो खुराक मिलनी भी चाहिए। क्योंकि तो आज तो नवरात्रा की शुभकामनाएं, और नवरात्रा के समय हमारे यहाँ बीकानेर में पर्टिकुलरली देशनोक में माता जी है करणी माता, उसके बारे में एक भजन है बहुत फेमस, उसको मैं गा के सुना सकता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि करणी माता ने ही बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। अच्छा। उस पे है एक भजन किसी का। बीके जी ने वचन दियो था गडरे नींव लगा, बीके जी ने वचन दियो था गडरे नींव लगा, देशनोक में भवन बनायो बीकानो नगर बसाए, भवानी माता अरज सुनो वो थाने बीनती करूं मैं बारंबार, जय भवानी अरज सुनो। इस तरह का भजन है, बहुत शानदार भजन है। इसमें बीकानेर की स्थापना और करणी माता अपने शरीर से बाहर निकल करके कुछ भी काम करने में सक्षम थी, इस भजन से भी सिद्ध होता है। इसमें ये पूगल के राजा थे, वो गए कि हमारे तो मुल्तान के अंदर बंद है, वो एक बार बम पड़े थे, बम पड़े थे तो करणी माता ने धोरे में अड़ो दिए, नाल में पड़े, नाल में बम नहीं फूटे, बम धोरो अंदर चले गए, फूटे नहीं बम, फूटे नहीं 71 के बार में। लेकिन एक चीज देखी मैंने, इतनी श्रद्धा है करणी माता की, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि तुरंत पत्नी नहीं है, ज्ञान देवे तो मैंने ज्ञान देवे कि हमारा बीकाना है, बीकानेर है, तो बीकानेर को आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये है बात, आंच नहीं आनी चाहिए। तो बम पड़े थे, बम वो सब धोरे में घट गए, धोरे में, तो मतलब सैंडल नहीं हुआ। अर्जुन जी, आप आईएएस रहे और आप अब नेता हैं, कानून मंत्री हैं देश के, लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं, आपको इस बनाने में बड़ी भूमिका, बताते हैं कि पाना देवी जी जो आपकी धर्म पत्नी है, इनकी है, तभी तो मैंने इन पे किताब लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ। हम बचपन से साथ साथ हैं और जीवन में भी इनका बड़ा योगदान है। एक चीज इनकी हमेशा अच्छी लगती थी, कहते पढ़ाई मत छोड़िया। अधिकतर ऐसे लोग माँ बाप होते हैं ना, वो कहते हैं पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, फिर पढ़ाई माँ बाप देखते हैं यार हमारी कमाई नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, तो वो कहते हैं कमाई करो कमाई करो। ए रोज कहता पढ़ाई कौन छोड़नी है, तो उस उम्र में ये सोचना कि पढ़ाई नहीं छोड़ना, तो मेरा तो इनका योगदान है ही ना। वैसे कहने में तो बहुत से लोग कहते होंगे कि हर आदमी की सफलता के पीछे औरत का, पत्नी का, औरत का हाथ होता है, लेकिन लिखे कोई को नहीं, कोई नहीं लिखता है। तो आपने हमने, किताब लिखी, हमने इन पे किताब लिख दी, एक सफर, एक सफर हम सफर के साथ। तो क्या फीस की बात थी उसमें, फीस के लिए उन्होंने रात भर मेहनत की? हाँ, वो विषय था 2 रुपए की कहानी का। वो एक बार क्या हुआ कि मैं एक फोर्ट स्कूल में पढ़ता था यहाँ बीकानेर में, 11th, तो मैं फुटबॉल खेलने लग गया, तो एक टीचर ऐसा आया, थोड़ा कठोर था,
वो आए ही था, दो चार दिन हुए थे, बोला तुम फुटबॉल खेल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कि वो 2 रुपये फीस कहाँ है? मैंने कहा किसकी साहब, हमने तो जुलाई में फीस जमा करा दी। कि वो तो तुम्हारी 125 रुपये उसकी थी एजुकेशन वगैरह की, तुम फुटबॉल अलग से खेल रहे हो ना, हमारा ये फुटबॉल में खर्चा लगता है, वो 2 रुपये लाओ और कल 11 बजे तक नहीं आए ना तो तुम्हारा नाम काट देंगे। तो मैं घर आया तो घर में दादी मेरी फाइनेंशियल कंट्रोलर थी, उनको पूछा, उन्होंने कहा पढ़ के क्या करोगे, ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, मत जमा का नाम काट दे, काट दे, खेत में काम करो और घर में बुनाई का काम है वो करो। तो फिर मैंने, पिताजी हमारी कुछ शादी में गए हुए थे, माताजी से पूछा, उन्होंने कहा दादी मना करे हूँ कटू दो, यहाँ इन्होंने कहा कि हम दे सकते हैं 2 रुपये। मैं कहता है कि यहाँ दे सको, कि मेरे पास है 7-1 रुपये मेरी माँ के दिए हुए, जब मैं पीवर से आती है ना, आती हूँ तो कोई चारा ना कोई 1 रुपया दो, लेकिन वो नहीं दूंगी, तो कि मैं आपको 2 रुपये दे दूंगी, कब चाहिए आपको? तो ये माड़ा का मिनिया बनाने का काम करते थे, तो ये बाजार गए, मिनिया लाया, रात भर चिमनी की रोशनी में काम किया, सुबह बेच के आ गए और मुझे 2 रुपये दे दिए, 7 रुपये भी सुरक्षित रख लिए और वो माला 2 रुपये भी दे दिए, और माला का मिनिया बना के बढ़िया बंदरबाल जोरदार वो बाजार में बेचिए 9 रुपये की, तो 7 रुपये सुरक्षित दिन करेंगे, 2 रुपये मेरे एक्स्ट्रा आ गए। मैं लेकर के फीस भरने गया तो मेरा नाम काट ही रहा था खिड़की पे, मैं जो वो सीन मुझे अभी भी याद है कि यार ले आए क्या 2 रुपये? मैंने कहा ले आया यार, तेरा नाम तो काट दिया था मैंने यार, तुम 11:02 हो गए थे। मैंने कहा मैं ले आया सर, इतने सख्त कि 2 मिनट पहले वो ऐसे ही सख्त टीचर आ गया था। अच्छा। ऐसा सख्त टीचर आ गया था। मैंने कहा साहब ये मैं ले आया 2 रुपये, तो उसने देखा, फिर उसने मेरे जो TC थी ना उसको कैंसिल किया और मुझे कहा ठीक है तेरे एडमिशन वाजिब है और तैंने फुटबॉल के 2 रुपये जमा करा दिए। तो वो 2 रुपये जमा नहीं होते तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये बड़ा योगदान है ही ना जीवन। आपने तो पूरा भविष्य बना दिया, आज कानून मंत्री बना दिया, देश को कानून मंत्री दे दिया आपने, तो क्या सोच क्या रही आपकी? क्या सोच ऐसे रहते कि भाई कोई भी अपने भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आँखें दी है, सब कुछ दिया है, तो बुद्धि दी है, तो अब 14 साल की उम्र में कहीं पता, तो मैं देखती कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपन खुद मेहनत करो। तो मैं घर का काम करके रात को 12 बजे बाद में मैं अठानी पके कर लेती, अठानी मोती बना लेती, तो घर वालों को भी पता नहीं कि ये क्या कर रही है, भाई सब सो जाते, फिर मैं बनाती, बना के मार्केट दिए थी। मेरे को बहुत झुमके शौक था बनाना, मेरे भगवान ने ये बुद्धि दी कि किसी का के हाथ नहीं फैलाना, आपके अपने पास बुद्धि है तो अपन खुद मेहनत कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई आपकी बात ना मानते हो, ये गुस्सा आता हो? नहीं, गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा अपन कैसे आया गुस्सा, अपन काम सब तैयार रखते हैं, गुस्सा अपन झगड़ो कर झगड़ो करिए, आप झगड़ो ही नहीं करे तो झगड़ो हो ही को नहीं। बेटे भी है मेरे साथ नवीन, मेरे साथ है नवीन मेघवाली। नवीन जी, लड़ाई देखी कभी माँ पिताजी की, कभी कैसे होता है घर में? लड़ाई कभी नहीं देखी, और हम लोगों को इन दोनों का साथ देखे हमेशा प्रेरणा मिली है, कोई घर में छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, किस प्रेम से शांत रहते हुए पूरी चीज़ को कैसे हैंडल करें, वो हमने सीखा है और वो हमारे पूरे जीवन में काम आया। तो लड़ाई हमने कभी नहीं देखी इनके बीच में, इश्यूज़ होते हैं घरों में और उसी इश्यूज़ को कैसे शांत भाव से मिलता है मेघवाल जी का परिवार के लिए? अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि देश की जिम्मेदारी है और हम सब लोग भी समझते हैं कि हमारा व्यक्तिगत समय से ज़्यादा देश का समय इम्पोर्टेंट है, तो अब तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन पहले बहुत समय मिलता था। ये बेटे भी पगड़ी पहन रहे हैं, पति तो पहन ही रहे हैं, क्या रीजन क्या है कि शुरू से ही पगड़ी का कुछ चलन या कुछ उसका अलग से कारण? पगड़ी क्या पहना? पगड़ी क्यों? पगड़ी तो ये है कि भी पगड़ी ठीक रहती है, सिर के लिए भी ठीक रहती है, देखने वालों के भी ठीक अच्छी लगती है, और ये पगड़ी रखते हैं नहीं तो उसको हार्ट अटैक नहीं आता है। अच्छा। हाँ, पहली पगड़ी बांधते कभी हार्ट अटैक सुना? वो क्या है कि हीट है ना, ऊपर से सीधी यहाँ आती है तो पगड़ी रहती है तो ये सेफ्टी है। अच्छा। ये ज्ञान देखो, तगड़ा ज्ञान है, शरीर को मजबूत रखती है, सिर को अपर ही सारी नाड़ा है नहीं, सारो शरीर सिर पर ही है, वो काम कर सी सब काम कर सी, ये काम नहीं करेगा तो कोई नहीं है, कोई लठ भी मारेगा तो ये बचाव कर लेगी ना, ये बचा लेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि पगड़ी से जो है
संस्कृति भी ये प्रोजेक्ट करते हैं बची रहती है और स्वास्थ्य भी बचा रहता है। संस्कृति और स्वास्थ्य दोनों का, बिल्कुल दोनों का मेल है, दोनों का मेल है संस्कृति और स्वास्थ्य का। ठीक है, अब एक पॉलिटिकल सवाल, आप देश के कानून मंत्री हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी देश के कानून मंत्री रहे, वो भी दलित समुदाय से आते थे, क्या लगता है कि मोदी साहब ने भी एक बड़ा दलित नेता कानून मंत्री के तौर पर दिया और एक सम्मान दिया है अम्बेडकर साहब? देखिए ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन ये तो मैं मानता ही हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बना करके पूरे बीकानेर का सम्मान किया है, पूरे दलित समाज का सम्मान किया है। कानून मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मुझे देना निश्चित रूप से समाज का सम्मान है, इसमें कोई, और समाज महसूस भी कर रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब पहले दलित नेता थे जो कानून मंत्री बने, उसके बाद कानून मंत्री तो बहुत बने पर दलित समाज से कोई नहीं आया। तो मोदी जी ने जो बनाया उसको समाज कहता कि बड़ा काम किया मोदी जी ने, ऐसा तो मानता है, और मेरा स्वागत भी समाज के दलितों का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। कुछ भी आप कहें लेकिन मेरा जो स्वागत होता है ना उसमें समाज को ये महसूस होता है कि ये मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अर्जुन जी आपके सामने एक दूसरे मेघवाल को उतार दिया कांग्रेस ने, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं उसको, मेघवाल वर्सेज मेघवाल हो गया बीकानेर में। देखिए वो अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब भी हार गए थे, बुरी तरह से हारे। कुछ चुनौती मैं तो मानता ही नहीं हूं जी। अब जैसे अभी नवरात्रा शुरू हुए हैं तो आज हम सब करणी माता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, और वो करणी माता को गाली देते हैं, हमारी कोई तुलना ही नहीं है जी आपस में। मैं भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता हूं, वो भारतीय संस्कृति को गालियां देते हैं, कोई तुलना ही नहीं है जी। लेकिन कुछ आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने अपनी जो एफिडेविट में जो जानकारियां थी आपराधिक, वो हमारी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया कि इनके इतने मुकदमे थे वो सब इन्होंने छिपा लिए, वो तो सब बताया। लेकिन जब फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ही कोई कार्रवाई करता है या कोई रिट पिटीशन होती है तो ही कार्रवाई होती है, वो कानूनी प्रक्रिया, कानून अपना काम करेंगे, हमें उसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन उनका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। मैं पूरे क्षेत्र में करीब करीब घूम आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से, बहुत बड़े अंतर से बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन चौथी बार आपकी जीत है, मुझे पक्का लग रहा है, 100% लग रहा है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब आए, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दों की बात नहीं करते, 370 की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, क्या लेना देना उनका राजस्थान से? कैसे 370 मुद्दा नहीं है जी? उनको शायद खड़गे साहब को जानकारी नहीं है कि कुछ लोग पंजाब के रास्ते से 47 में यहाँ पंजाब भी आए राजस्थान भी आए, कुछ लोग ऊपर से आए, उनको शेख अब्दुल्ला जी ने वहीं रोक दिया कि आप यहीं रुको, हम आपको पूरा सम्मान करेंगे। और जम्मू की सफाई कौन करेगा, श्रीनगर की सफाई कौन करेगा, जलंधर से वाल्मीकि समाज के लोगों को बुला लिया कि हम आपका सम्मान करेंगे, आ जाइए। 370 ने क्या किया, 370 ने उनको नागरिकता ही नहीं दी, आप जन्मे नहीं, वो सब गरीबी लोग थे। शायद खड़गे साहब का अध्ययन कम है इसमें, वो सब गरीब लोग थे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जम्मू कश्मीर को भी अलग कर रहे हैं कि देश में कहीं उसका मुद्दा नहीं उठा सकते। और वाल्मीकि समाज का आदमी वो कहता हमारी पीढ़ियां हो गई भाई, हम सफाई करते हुए हम LDC भी नहीं बन सकते। क्या नियम बनाए उन्होंने 370 के कारण कि जलंधर से जो वाल्मीकि समाज के लोग आए हैं वो वाल्मीकि यहां जन्मा नहीं है, इसलिए वो खाली सफाई कर्मी का ही काम करेंगे क्योंकि वो सफाई कर्मी के रूप में ही आए। तो उनका परिवार का बच्चा इतना इंटेलिजेंट होकर के भी वो LDC नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी जी ने जब 370 हटाई है तो वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने लग गए, कुछ IAS बन गए, तो इसका राजस्थान में वाल्मीकि समाज में और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में SC ST में जबरदस्त असर है जी। उनको पता ही नहीं है खड़गे साहब को इन चीजों का। अर्जुन जी आपके तो नाम में ही राम है, राम मंदिर बन ही गया है, तो क्या लगता है राम नाम का इम्पैक्ट राजस्थान में पड़ेगा? देखिए कांग्रेस ने क्या किया, मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं आपको, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, एक एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, जबकि हम कहते हैं राम हमारी आस्था है। आपने ठीक कहा, मेरे पिताजी राम, नाम तो पिताजी ने रखा होगा ना, अर्जुन राम, तो राम हमारी आस्था है, राम हमारे यहाँ रोम रोम में है, तो बिना तो खड़े को नहीं उजे, राम बिना तो खड़े को नहीं उजे। राम अपर शरीर में है भगवान, चले तो आपको खड़े होते हैं,
ये भगवान नहीं होता तब नहीं खड़े होते हैं। हाँ, खड़ा क्यों नहीं हो सका, राम नहीं क्यों होता। कौन सा भजन गाती है ऐसे? रीला है। कौन सा पसंद है आपका भजन? भजन गीत कोई कौन सा आपका मन पसंद है? कहीं का भजन गावना था गाँव गावना। भजन तो ये है कि एक कौवा होता है, एक कोयल होती है, तो कौवे को कोयल बोलती है, नहीं कौवा बोलता कोयल को कि तू अच्छी वाणी बोल, मीठी वाणी बोली तो चल कौवा तो क्राई क्राई करे। मीठी वाणी बोलने से मीठी बोली आदमी आदमी आकर्षित होता है। कौवे को कहे, हाँ बोलो, कोयल कोयल कौवे को कहे कि मीठी वाणी बोल, जन के कोयल वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लागे, राम आ गए देखिए। कोयल वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लागा, बड़ी तारे बागे में जाती जोड़ो रे बर फूल रो लाते, मड़ी तारे बाग में जाती जोड़ो बर फूल रो लाती, आधा गरु रे चरणों में रखती, आधा गरु रे सज में रखती, मीठी वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा। ये कितना बड़ा ज्ञान दे दिया दिया। बोल रे कागा होती भी है दृष्टि दृष्टि। दादा दादी जब बैठते हैं तो माहौल तो बहुत अच्छा रहता होगा घर में। हाँ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमने देखा ही एक साथ रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं। मतलब जब मेरे दादाजी जब दिल्ली में अकेले होते तो भी उनका एकदम मन नहीं लगता कि माँ को बुलाओ माँ को बुलाओ कि मतलब उनके बिना मतलब अकेले ही रह ही नहीं पाते, तो इन्हें एक साथ देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्यार से रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है देख। अच्छा लगता है। तो क्या कोई बात याद आती है दादा, कैसे कभी डांटते हैं नाराज? नहीं डांटते नहीं है, नाराज नहीं होते वो तो। बस जब मैं बहुत छोटी थी तो एक धूपछा वाला याद है तो सुनाओ 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 तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं दीदी मेरी दीदी और हम पाजी के साथ जाते थे रास्ते में, तो जब हमारा था कि जब भी धूप आएगी तो मैं ना नीचे चलूंगी और जैसे ही छाव आएगी वो उन्हें मेरे को गोदी में लेना होगा। तो ये हमारा था कि हम जब भी ऐसे रास्ते पे जाते थे तो ये धूप जाओ वाला चलता था कि धूप आएगी तो मैं चलूंगी और छाव आएगी तो आपको मेरे को गोदी में लेना पड़ेगा। चलिए एक अर्जुन जी एक बड़ा सवाल, यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू हो गया, 370 आप लोगों ने संकल्प लिया वो हटा दिया, तो क्या पूरे देश भर में यूसीसी की जरूरत आप समझते हैं क्योंकि आज कानून मंत्री आप ही हैं? देखिए ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें बहुत सी चीजें हैं, राज्य भी सक्षम है ऐसा करने के लिए, और फिर हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, उसमें भी तैयारी चल रही है, तो जो होगा वो सामने आ गया आपके। घोषणा पत्र में कुछ राजस्थान के ललक से आने की संभावना है कि कुछ आपकी तरफ से? घोषणा पत्र में राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, हमने जनता से भी बहुत सुझाव लिए हैं और समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने भी सुझाव दिए हैं, दो बैठकें अच्छी हुई है और जल्दी घोषणा पत्र हमारा आएगा। क्या खास क्या हो सकता है राजस्थान के लिए कुछ संकेत? सबके लिए खास होगा, विकसित भारत का सपना ये बड़ा उद्देश्य लेकर कम चले हैं, घोषणा पत्र इसके आसपास ही होगा। एक सवाल और आपसे, क्योंकि एक कानून मंत्री आप हैं तो बार बार जो देश की जो समस्या है, हालांकि कानून में कुछ बदलाव भी आप लोगों ने इस बार किए हैं कि तारीख पे तारीख, वो अभी भी आम आदमी से छूट नहीं पा रहा, क्या उसके लिए कोई बड़ा एजेंडा कोई रोड मैप बनाया है कि किस तरह से? इसी में ही कर दिया ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई से लागू होंगे। विपक्ष तो कह रहा है इसमें भी कई सारी खामियां और इसका अपराध, इसमें उनको पता नहीं, वो पढ़ते नहीं है ना, इसलिए उनको खामियां नजर आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था इसलिए भारतीय दंड संहिता, हमें न्याय देना है नागरिकों इसलिए भारतीय न्याय संहिता, वो पढ़ते ही नहीं इसलिए। और इसमें हमने कई जगह टाइमलाइन तय कर दी है, तो जो तारीखों पे तारीखें पड़ती थी ना उसका समाधान भी इसमें है नए कानूनों में, और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा अच्छा मिश्रण किया है। हम जैसे मैं कभी कलेक्टर था तो मुझे अभी भी बुलाते रहते हैं, आप कलेक्टर थे दस्तखत करो, ये आपके दस्तखत हैं क्या, देखो आज जाना पड़ता है। इसमें हमने क्या कर दिया कि कंप्यूटर पर ही देख लो कि आपके दस्तखत हैं और कंप्यूटर भी लिख दो कि आपके दस्तखत हैं, फिर वो पूछे होश वास में किए क्या, होश वास में,
तो आधे घंटे में काम हो गया, आपका समय भी बचा, नहीं तो आप कोर्ट में पेश होती। मुझे कई बार मुझे भी जाना पड़ता, मैं मंत्री हूं तो करने नहीं, आपने कलेक्टर के नाते ये इसी को सस्पेंड किया, ये दस्तखत आपके ही हैं क्या? ये कितनी बड़ी विसंगति थी जो सब इसमें नए कानूनों में चेंज हो रहा है। उदयपुर की घटना हुई, कई सारी ऐसी घटना हुई जो कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण की बात भी कही, आप लोगों ने आरोप भी लगाया, क्या लगता है कि अब समय आ गया, एक पॉलिसी बननी चाहिए जनसंख्या को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी भी चेंज होती नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है कि हम तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करते, हम संतुष्टिकरण में विश्वास करते हैं। तो सारे नागरिक संतुष्ट हो ऐसी हम नीतियां लाएंगे, कोई भी नीति हो सकती है। तो एनआरसी, जनसंख्या नीति, एनआरसी भी लागू करेंगे? सब नागरिक में जरूरत है, सब नागरिक संतुष्ट हो, हमारा विषय ही संतुष्टिकरण है। यानी कि सब आ सकता है ये वाली? कुछ भी आ सकता है ना, नागरिकों को संतुष्ट करना, हमें तुष्टिकरण में विश्वास ही है ही नहीं। तुष्टिकरण तो एक वर्ग विशेष को, अच्छा अब तो कांग्रेस ने तो मुस्लिम लीग वाला जो है चेहरा सामने लाए, वो अगेन तुष्टिकरण की ओर बढ़ गए। तो चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण का मामला करके उन पे मुस्लिम लीग को लेकर मामले आरोप लगा रहे हैं। है ही उनका घोषणा पत्र में ये सब चीजें हैं। हम कहते हैं तुष्टिकरण किस चीज का, संतुष्टिकरण करो ना, सभी आदमियों का संतुष्टिकरण करो, सबको मकान मिले, सबको नल से जल मिले, सबको शौचालय मिले, सबको इलाज मिले, हमारी तो सोच ये है, उनकी खाली तुष्टिकरण की नीति है। चलिए एक अलग से सवाल है बस, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के नाते जेल में बंद है, कानून के जानकार कहते हैं कानून स्पष्ट नहीं है, तो कैसे वो कह रहे हैं वो सरकार जेल से चलाएंगे, कानून मंत्री का क्या कहना है? देखिए, रूल ऑफ लॉ, ये हमारे संविधान की, यूं कहिए बाबा साहब ने कभी कहा था कि ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको हम अपना रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। अरविंद केजरीवाल जी को और कुछ कांग्रेस के ऐसे साथी हैं, उनको ये वहम हो गया कि हम कानून से ऊपर हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा और कानून के अनुसार ही देश चलेगा, उनके कहने से थोड़ी सही। लेकिन आप तो लोग कह रहे हैं कि सारी एजेंसियों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, कानून के अनुसार आप ही लोग काम नहीं, नहीं कानून के अनुसार ही किसी ने भ्रष्टाचार किया है वो बीजेपी में शामिल हो, सुनो भ्रष्टाचार किया है तो ईडी और सीबीआई हमने तो बनाया नहीं ना, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गया था तो उनपे भी कार्रवाई हो रही थी, उनको पता ही नहीं, वो तो खाली आरोप लगा रहे हैं, वो खाली आरोप। कितने पैसे जब्त किए जी लोगों के, जो ईडी ने काम किया है काबिले तारीफ काम किया है पीएमएलए में। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो क्या कानूनी विकल्प होगा? कानून अपना काम करेगा, मामला कोर्ट में है ना। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद अर्जुन राम मेघवाल जी, कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा और मामला कोर्ट में, इस वजह से वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जहां तक मुस्लिम तुष्टिकरण की बात है तो बीजेपी जो उनकी मोदी सरकार है वो संतुष्टिकरण के लिए काम कर रही है और जो भी देश हित में कानून होगा, जो भी पॉलिसी होगी वो लेकर आएंगे।